दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड का रिजल्ट आया है, यानी VPRPL कंपनी ने अपना रिजल्ट पेश किया है और रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर फ्लैट रिजल्ट है, एकदम फ्लैटिश सा रिजल्ट है। रिजल्ट के वो हम जरूर देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी शेयर के बारे में बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। अगर आपको किसी भी शेयर को बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा अवश्य कर लें। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कंपनी का रिजल्ट कैसा लगा मुझे, रिजल्ट आने के पीछे का वजह क्या है, साथ में क्या पीछे इसकी हिस्ट्री रही है इस तरह की कि कंपनी ने इस तरह का रिजल्ट पेश किया है, जानेंगे वो सभी कुछ बातें। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कंपनी के लेवल को, स्टॉक के लेवल को कहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं मोटा मोटी नंबर पढ़ूंगा, और एक बात, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है ना वो मिलियन में दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मिलियन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैं जो तुलना करने वाला हूँ जून 2023 से जून 24 के बारे में बात करूँगा, इसे हम ईयर ऑन ईयर कहते हैं। लेकिन जब हम जून 24 का मार्च 24 से तुलना करेंगे तो इसे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कहेंगे। चलिए देख लेते हैं फटाफट रिजल्ट को और जानते हैं क्या हाल चाल है। ध्यान रहे दोस्तों, सभी नंबर मिलियन में है, यानी आप एक बार समझ लीजिए कि 10 मिलियन बराबर होता है 1 करोड़। तो अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 करोड़ में नंबर आ जाएगा। तो मैं सीधे सीधे करोड़ में ये नंबर पढ़ूंगा और मोटा मोटी नंबर पढ़ूंगा, ध्यान रहे दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि कंपनी की सेल्स जून 2023 में कितनी थी, 279 करोड़। ये मैं करोड़ में कन्वर्ट करके पढ़ रहा हूँ नंबर, ध्यान रहे 279 करोड़। अभी कितनी है, 258 करोड़। ये कंपनी की सेल्स है। सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है आपको ईयर ऑन ईयर। आपने देख लिया कि 279 करोड़ की सेल्स 258 करोड़ की सेल्स हो गई जून 24 में। ये तो रहा ईयर ऑन ईयर। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात कर लें तो 660 करोड़ से 258 करोड़ हो गया, यानी आप देखिए कि सीधे सीधे 50% से ज़्यादा का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 50% से ज़्यादा का ड्रॉप है, आप देख सकते हैं करीब करीब 60% प्लस का ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम देखें कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स कैसा है तो मैं तो कहूँगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स काफ़ी ज़्यादा पुअर है, पुअर में हम इसे कहेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स। अगर हम यहीं अगर हम देखें कि कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस क्या हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि टोटल एक्सपेंसेस में जून 23 में एक्सपेंस कितना था कंपनी का, 257 करोड़। आप यहाँ पे देखिए जून 2024 में कंपनी का एक्सपेंस कितना था, 239 करोड़। यानी यहाँ पे सेल्स भी गिरा है और कंपनी का एक्सपेंस भी गिरा है। इस रेशियो में तो बात ठीक समझ में आती है, लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर चले जाएँ तो आप देखेंगे कि 569 करोड़ की सेल्स अब 239 करोड़ की हो गई है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो सेल्स है, सेल्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है, और आप देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर भी सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है, फ्लैटिश सी गिरावट है ईयर ऑन ईयर। अगर हम प्रॉफिट की बात कर लें दोस्तों, और नंबर मैं आगे बताऊंगा, आगे मैं ये भी बताऊंगा कि क्या कारण है इस कंपनी के ऐसा रिजल्ट पेश करने के पीछे। आप देखिए कि 164 यानी 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी 2023 में जनरेट कर पा रही थी, अभी कितना की है आप देखिए कि 14 करोड़ का की है नेट प्रॉफिट। यानी इसको अगर मोटा मोटी कहेंगे तो 14.5 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। यानी यहाँ से आप देखेंगे कि 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है ये ईयर ऑन ईयर। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात कर लें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखिए कि कंपनी 67 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट की थी पिछले क्वार्टर में, अब ये सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ रह गया है। तो हम कहेंगे कि 5 टाइम क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है। अब हम नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या है, वेरी पुअर कहेंगे, वेरी पुअर जो रिजल्ट है वो मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ। हाँ, और ये भी बताऊँगा कि इसके पीछे रीजन क्या है। ये तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का नंबर रहा नेट प्रॉफिट और सेल्स का। अब हम बात करेंगे कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर कैसा रहा। तो ईयर ऑन ईयर हम कह दें कि ईयर ऑन ईयर ये नंबर फ्लैटिश है, एकदम फ्लैट नंबर है। हाँ, अब हम चलते हैं कंपनी के इस रिजल्ट के पीछे की वजह को जानते हैं।
दोस्तों यहाँ पे अगर आप परसेंटेज वाइज देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि सेल्स में ईयर ऑन ईयर कितनी गिरावट को देखने को मिली है, तो 8% सेल्स में गिरावट है, 278 से 257 मिलियन। और वहीं अगर सॉरी करोड़, अगर हम वहीं बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट 10% से गिरा है, 16.4 करोड़ से 14.8 करोड़ हो गया है, 16 से 14 हो गया है, यानी 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम वहीं बात कर लें ईयर ऑन ईयर, तो आपको मैंने बता दिया कि करीब 5 times की नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। और आप देखेंगे सेल्स में गिरावट, तो 657 करोड़ से 257 करोड़, करीब 60% का गिरावट देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं जो दिखाना चाहता था आपका, पीछे कंपनी की हिस्ट्री पड़ी है, आप देखना कि जून 22 में और जून 23 के नंबर में क्या अंतर है। तो आप यहाँ पे देखना कि जून 22 में कंपनी ने 186 करोड़ की सेल्स की थी, अभी 278 करोड़ की सेल्स करती हुई दिखाई पड़ रही है जून 23 में, आप देख पा रहे हो। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 11 करोड़ का था, फिर 16 करोड़ का हो गया जून 23 में। अगर हम यही देख लें कि जून के बाद कंपनी का रिजल्ट सबसे अच्छा कब होता है, तो आप देखना कि जून के बाद कंपनी का रिजल्ट मार्च में जो है कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट पेश करता है, माफ़ करना, मार्च वाला जो क्वार्टर होता है वो बेहतरीन होता है। यहाँ पे मैंने जून से जून का तुलना किया था, अब मैं मार्च से जून का तुलना करूँगा। यहाँ पे मार्च 23 का नंबर है, आप देखना इस नंबर को आप ध्यान से देखना, 456 करोड़ की सेल्स थी, 278 करोड़ हो गई, और आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट 40 से 16 करोड़ दिखाई पड़ रहा है। यही हिस्ट्री रिपीट हुई है, यानी मार्च वाला क्वार्टर कंपनी का हमेशा ज़बरदस्त होता है, और उसके बाद एक क्वार्टर डाउन जाता है, जो अगला क्वार्टर होता है यानी जो जून का क्वार्टर है वो डाउन जाता है। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही डाउन दिख रहा है, 657 से 257 हो गया, और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे कि 67 से 15 दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आप देख पाओगे। दोस्तों एक बात और मैं क्लियर कर दूँ कि कंपनी की सेल्स भी घटी है और कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट भी घटा है, थोड़ा सा मार्जिन पे फर्क पड़ रहा है, और उसी के साथ कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 13 करोड़ का इंटरेस्ट भी है, ये आपको देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन 13 करोड़ और 3 करोड़ का है, ये आप देखिए, तभी ये 15 करोड़ का नंबर आ गया है। अब हम बात करेंगे कि कंपनी ने कुछ इसके प्रोजेक्ट हैं जिसको कि इन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया है, बात करने वाले हैं उसके बारे में। अच्छा, ये 7वां नंबर का पॉइंट आप पढ़ना, कंपनी का जो VPRPL है, इसका कल्पातरु के साथ JV था, ज्वाइंट वेंचर था, जिसके तहत कुछ प्रोजेक्ट इनको एग्जीक्यूट करने थे, लेकिन कुछ विवाद बस ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुए, जिसके कारण कि कंपनी के फाइनेंशियल में इनको शामिल नहीं किया गया है। अगर ये एग्जीक्यूट हुए होते तो शायद कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता। उसी तरह आप देखेंगे कि ज्वाइंट ऑपरेशन नाम था VPRPL और V&G के साथ JV था, जिसका कि 30 जून 2024 तक इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं किया गया है। इन्होंने भी अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट नहीं किया है, जिसके कारण कि 30 जून तक इसको शामिल नहीं किया गया है। अब दोस्तों हम आ गए हैं कंपनी के स्टॉक के चार्ट के ऊपर, चार्ट भी देखेंगे, और चार्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगला क्वार्टर कैसा रहने वाला है, क्या इस कंपनी का लेवल रहने वाला है। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने कंपनी का वीकली चार्ट खोल रखा है, और आप देखिए कि कंपनी का सबसे ज़्यादा सपोर्टिव पॉइंट क्या है, जो सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव पॉइंट है वो है 220 का लेवल है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि कंपनी का जो सपोर्ट है वो कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इस स्टॉक का सपोर्ट आपको कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि इसका जो सपोर्ट है वो है 220 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इसका सपोर्ट 220 रुपये है। वीकली चार्ट पे ये मुझे 220 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, हालाँकि रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन मुझे 220 के नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर आपको मौका मिलता है कि आप इसे 200 के प्राइस पे खरीद पाते हैं तो आप इसे ज़रूर खरीदना, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगला क्वार्टर इसका अच्छा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक क्वार्टर सभी कंपनियों के लगभग में डाउन आए हैं, कुछ को छोड़ दें तो, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगला क्वार्टर इसका अच्छा आने वाला है। कंपनी का एग्जीक्यूशन पावर मुझे बेहतर लगता है, लेकिन इस बार तो कंपनी ने अच्छा नहीं किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि ये 220 के लेवल तक आ सकता है, 220 के नीचे वीकली चार्ट पे ये मुझे क्लोज होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये बात याद कर लेना,
ये यहाँ पे है, ये 220 का लेवल है, ये 220 के लेवल के नीचे मुझे क्लोज होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसी के साथ अगर उससे भी नीचे आता है तो इसका लेवल होगा नेक्स्ट 100, ये वाली जो कैंडल है, माफ़ करना एक मिनट दोस्तों, ये जो कैंडल है हाँ 195 के नीचे अधिकतम ये नहीं आ पाएगा, ध्यान रहे 220 लिख लेना, फर्स्ट जो लेवल है ये 220 इसका रेजिस्टेंस एरिया है, इसके नीचे अगर आता है तो 200 और ये 200 से 195 बस मुझे यहीं लेवल दिखाई पड़ रहा है। आपको इसके नीचे स्टॉक जाता हुआ नहीं मिलेगा, अगर जाता है तो फिर ये दोबारा से 160 के लेवल तक जा सकता है, लेकिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर खरीदूंगा 200 के नीचे और 220 पे भी खरीदूंगा, ये बात ध्यान रहे। मुझे स्टॉक अच्छा लगता है, एग्जीक्यूशन कभी कभी दोस्तों आपको ना कंपनी खरीदनी होती है, आपको शेयर नहीं खरीदना होता, ध्यान रहे। हाँ एक बात और, कभी भी आपको किसी भी स्टॉक से शादी नहीं करनी है, अगर आपको ईयर ऑन ईयर कंपनी का रिजल्ट बहुत ज़्यादा डाउन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है तब तो आप उससे दूर हट जाइए, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है तो इसका कोई वो नहीं होना चाहिए। ये रिजल्ट का जो फोमो है ये सप्ताह भर अधिकतम चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चल सकता, फिर कंपनी अपने हिसाब से परफॉर्म करेंगी उनके वो जो जैसा, अगर इसको कोई ऑर्डर मिल जाता है तो ये अभी से ही अपना रुतबा बदल लेगी और ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन आ सकता है, ये बात ध्यान रखना। इस लेवल पे कुछ दिन कंसोलिडेशन चलेगा और आपको एक खरीदने का मौका भी मिलेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट जरूर पुअर है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी का रिजल्ट फ्लैट है, या दोस्तों फ्लैट रिजल्ट है, और अगला क्वार्टर कंपनी का अच्छा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और कुछ ऑर्डर आते हुए भी दिखाई पड़ेंगे, आप देख लेना। तो दोस्तों वैसे तो कंपनी मुझे बेहतरीन लगती है, अगर आप मुझे ये 200 के नीचे के लेवल पे मिलती है तो मैं जरूरी से ऐड करूँगा, 220 के लेवल पे भी ऐड करूँगा अगर ये 220 के लेवल पे कंसोलिडेट करती है तो। ध्यान रहे आपको किसी भी शेयर को आंख बंद करके नहीं खरीदना है, आप सबको पता है कि इस कंपनी के पास ऑर्डर मौजूद है और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि आपको कंपनी को खरीदना है, किसी स्टॉक को नहीं खरीदना है। अगर हम डेली चार्ट पे भी देखना चाहें तो 220 का लेवल ही दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर कंपनी का एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये रहा विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया का रिजल्ट, अगर आपने 200 के नीचे खरीद रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ तक कि अगर आपने 215 के लेवल पे भी खरीद रखा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, मैंने भी खरीदा है, 215 का मेरा बाइंग प्राइस है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक कभी कभी अच्छे परफॉर्म नहीं करते, ये बात सबको पता है, ईयर ऑन ईयर कंपनी का रिजल्ट डाउन नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा 50% डाउन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आता है चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन्यवाद।